अप्रैल माह में ग्रह की चाल में कुछ नया परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे गुरु अपनी स्वराशि मीन में गोचर करेंगे। इसके अलावा अप्रैल की शुरुआत में ही शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह अपनी मित्र शुक्र की राशि वृष में गोचर करेंगे। इससे नियति राजपलट योग बन रहा है, जिससे कुछ राशियों को आकस्मिक धन लाभ की योग बन रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में समय समय पर ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं, अपनी गति में परिवर्तन करते हैं, अपनी राशि में परिवर्तन करते हैं। और इस प्रकार जब राशियों में परिवर्तन ग्रह करते हैं तो कई प्रकार के योग का निर्माण होता है, उनमें कुछ राजयोग का भी निर्माण होता है। और ऐसे राजयोग किसी जातक के लिए शुभ फल देने वाले होते हैं और किन्हीं जातकों के लिए यह अशुभ फल देने वाले भी होते हैं। ऐसे ही अप्रैल में कुछ राशियों का राशि परिवर्तन हो रहा है, और ऐसा राशि परिवर्तन हो रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि नियति पलट राजयोग बन रहा है उनके लिए। अर्थात अचानक उनको किसी प्रकार के लाभ की, विजय की, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। उनके मन में किसी भी प्रकार से इस प्रकार का लाभ होने का कोई विचार नहीं होगा, किसी प्रकार का मान सम्मान की प्रतिष्ठा का विचार नहीं होगा, लेकिन अचानक उनको इस प्रकार का लाभ होता दिखाई दे रहा है। गुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अप्रैल के शुरुआत में शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे और मंगल ग्रह भी जो है अपने मित्र शुक्र की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो इन तीन ग्रहों की चाल, गति और जो राशि परिवर्तन है वह इस प्रकार का राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिसका लाभ मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को हो रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर में इन ग्रहों की जो स्थिति है वह दशम भाव में हंस और मालव्य नाम का राजयोग बना रहा है, जिससे धन लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, राज सत्ता से लाभ होगा, अधिकारियों से उनको लाभ की प्राप्ति होगी, कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। जो भोजन से संबंधित व्यापार करते हैं, होटल इत्यादि का व्यापार, रेस्टोरेंट इत्यादि का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों को विशेष रूप से इस राजयोग का फायदा होने जा रहा है। कर्क राशि के लिए शुक्र उच्च के हैं और स्वराशि के गुरु होने से इनको धार्मिक और मांगलिक कार्य इनके घर में, इनके परिवार में होने जा रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ होगा, प्रेम विवाह के भी योग बन सकते हैं, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि से इनको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा यह योग जो है यह वृश्चिक राशि के लिए भी लाभदायक होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में यह योग बनने जा रहा है। संतान का सुख, संतान से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, उन्नति होगी, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, राजनीतिक लाभ की प्राप्ति होगी और सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति इस राशि के जातकों को होने जा रही है।